कि रूस ने अमेरिका को साफ शब्दों में समझा दिया कि उसके इलाके में दखलंदाजी का यही अंजाम होगा। रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। रूसी सेना ने सख्त कार्रवाई को ब्लैक सी यानी काला सागर के ऊपर अंजाम दिया। अमेरिका बेशक कह रहा हो कि उसका ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर है, इंटरनेशनल सी बाउंड्री के करीब उड़ रहा था, लेकिन नतीजा सबके साथ रूस का यह नागवार गुजरा। रूस ने सख्त एक्शन के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ब्लैक सी वो जगह है जहां पर रूस यूक्रेन की सीमाएं मिलती हैं। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यह पूरा इलाका जो आपको मैप में दिख रहा है यह विवादित है, और इस इलाके में आमतौर पर रूसी फाइटर जेट और अमेरिका की निगरानी ड्रोन उड़ान भरते हैं। दोनों ही महाशक्तियां इस इलाके पर नजर रखती हैं, लेकिन युद्ध की वजह से पिछले एक साल से हालात काफी ज्यादा बदले। दो महाशक्तिशालियों के बीच टकराव की वजह क्रीमिया को माना जा रहा है, और साल 2014 से ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, जिस पर अमेरिका आपत्ति जताता रहा है। इस वक्त क्रीमिया में रूसी सेना का जमावड़ा है। क्रीमिया रूस का बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है। अमेरिका ऐसे संकेत देता रहा कि क्रीमिया का वो जगह है जिस पर फिर से यूक्रेन का कब्जा है, खेल पलट सकता है, इलाके में रूस की पकड़ कमजोर कर सकता है। क्रीमिया को हासिल करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, उन्होंने खोया हुआ